हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर रिजल्ट। ठीक है, जो हमने कल रात को भी एक्चुअली किया था काफी डेप्थ में, बट यस मोर इम्पोर्टेंटली हम लोग एक ऐसे प्लान के साथ आज शुरुआत करेंगे। इट्स द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ रिजल्ट्स, तो डेफिनेटली ऐसी कोई टिप्स, ऐसी कोई चीजें मैं बोलने वाला हूँ जो कि आपको अपने अगले अटेम्प्ट में, चाहे वो आप मार्च वाला दे रहे हैं, अप्रैल वाला दे रहे हैं, मई वाला दे रहे हैं, या फिर लेटर ऑन एडवांस में जुलाई वाला दे रहे हैं, तो जो आपका जो भी रिजल्ट है और आपकी जो भी इनफैक्ट क्वेरीज है उसको भी आप लोग टाइप करके रख लें। ठीक है, अभी आप उसको जस्ट टाइप करके रखें, एक पार्ट में मैं बोलूंगा कि यार इसको आप एंटर मार देना। तो यस एक बार वेट कर लेते हैं, सभी लोग जुड़ जाएं, है ना। आयुष, दीपांश, दिव्यांश, आदिति, हेलो आदिति त्रिपाठी, एंड सभी को नमस्ते। हरि प्रवीण, सभी लोग यहाँ पे ऑलरेडी है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्पेशली जब हम एक बार गिर चुके हैं, एक बार बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया है कि यस यार ये जो परसेंटाइल है ये मैं डिजर्व नहीं करता, मेरा डेफिनेटली इससे थोड़ा बेटर आ सकता था, आने ही वाला था, एक्सपेक्टेड ज्यादा था, थोड़ा कम आया है, बट जो वी हैव ऑल बीन देयर, नाउ दैट वी हैव ऑल बीन देयर, एक बार सभी को, सभी बच्चों को, इनफैक्ट जो भी 21 एस्पिरेंट्स है, एक बार अगर आपको कॉम्पिटिशन का टेस्ट आ गया है तो यस आपको पता है कि अब लाइट नहीं ले सकते, ढिलाई नहीं बरत सकते, तो हमें और क्या करना है वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। शुरू के 5-10 मिनट में मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बोलूंगा बच्चों जो सच में आपके लिए करिश्माई हो सकती है ना। आप में से कई बच्चों को मालूम होगा, कई बच्चों को नहीं मालूम होगा, बट हम इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस करते रहते हैं आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, आउट ऑफ माई 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन आई हैव टॉट। ठीक है बच्चा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, बट यार कुछ चीजें मैं शुरू में आपके 5-10 मिनट में ऐसी बोल रहा हूँ जो कि कॉमन है, एंड डेफिनेटली आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, पर्सनल क्वेरीज पे मैं तब आऊंगा जब ये सारी चीजें मैं बोल दूंगा। ओके बच्चा, सभी को ये बात क्लियर है, तो अपनी जो भी क्वेरीज है वो एक बार टाइप करके रख लो, एंटर बाद में मारिएगा कि आपके रिजल्ट का जो अभी स्टेटस है, आपका जो भी रिजल्ट आया है आज, है ना, कल में जो भी रिजल्ट आपका आया है आपके सामने है बेटा। ठीक है, आप में से कई बच्चे सच में बहुत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है ना, डिप्रेस्ड इज नॉट द वर्ड बच्चा, एक बार मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि डिप्रेशन एक अलग चीज होती है, वो मेंटल स्टेट की अलग बीमारी होती है एक तरह से, है ना, तो डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, हाँ डिसअपॉइंटेड है डेफिनेटली, मतलब ये जो परसेंटाइल है क्या मजाक है ना, उस लेवल तक भी कई बच्चों ने सोच लिया होगा यार मैंने इतना मेहनत किया और ये आ रहा है मेरा, तो यार बच्चों एक तरह से मैं तो ये बोलूंगा कि वो मिरर है आपकी रियल परफॉर्मेंस का, है ना। माना चल तूने अपने मॉक टेस्ट में बेटर दिया होगा, अपने यार घर में बैठ के कंफर्ट जोन में जब एक्चुअली अपन टेस्ट लिखते हैं तो अलग एक फीलिंग से लिखते हैं, एग्जाम हॉल में जब हम जाके कुछ चीज लिखते हैं तो आई थिंक प्रेशर भी होता है ना, नर्वसनेस भी होती है, कई बच्चों की तो सिट्टी पिट्टी घूम भी हो गई होगी, ब्लैंक हो गया सर क्या करे पता ही नहीं चला, वो 3 घंटे कैसे निकल गए, मतलब यू नो कंट्रोल ही नहीं रहा उन 3 घंटों पे हमारा, है ना, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, एंड डेफिनेटली वो चीज हम रिपीट नहीं होने देंगे, जो भी हम लेटर अटेम्प्ट्स करेंगे बच्चों उनमें हम उस चीज को रिपीट नहीं होने देंगे। क्या ऐसे एक्शंस, क्या ऐसे प्लानिंग हम लगाएं आज की डेट में कि यार वो लेटर अटेम्प्ट सुधर जाए, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें शुरुआत में बताऊंगा। ठीक है, बट मैं शुरुआत करूंगा बच्चों इस कोट से कि यार रियली इफ यू थिंक यू हैव वर्कड हार्ड, इमेजिन करो आपके यहाँ पे 120 आ रहे हैं, तो आराम से मॉक टेस्ट में 180 लाया करता था और तो एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा था 200+। ठीक है, पर आपकी ये एक नंबर आ गया है, या जो भी आपका है ना, आपका एक इंडिविजुअल जो भी आपका एम है, टारगेट है, उसमें मैं आई रहा हूँ, बट यार आपको नहीं लगता कहीं कि जो बच्चा एक्चुअली 200+ लाया होगा, सोचो उसने कितना मेहनत किया होगा, उसने शायद 300 के करीब कई मॉक टेस्ट में स्कोर भी किया होगा, एंड देन ही इज गेटिंग जस्ट 200+, सो इट इज ऑल सेम फॉर एवरीबडी, है ना, एवरीबडी हैज वर्क्ड हार्ड, लिटरली आपसे जो बेटर परसेंटाइल लाए हैं उन बच्चों ने सच में आपसे ज्यादा हार्डवर्क किया होगा, ये बात तो आपको ओवरनाइट रियलाइज हो गई बच्चों। कल भी हम इसी तरह से मिले थे, एक दिल खोल के बात करी थी रात तक मैंने आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा आया था बच्चों के साथ, यू नो एक हेल्दी डिस्कशन, स्पेशली बच्चों मैंने आपको बोला एग्जाम से जस्ट पहले भी, एग्जाम के तुरंत बाद भी और रिजल्ट्स के बाद भी हमने किया है, तो आप लोग रेगुलरली इस तरह से आते रहे और सच में नेवर गिव अप, है ना, ड्रीम जो आप कर रखे हो, इनफैक्ट जो ड्रीम आप कर रखे हो वो भी प्रैक्टिकलिटी से कई बार करते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ कि उसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए, ड्रीम एज बेस्ट कॉलेज फॉर यू एज यू कैन, है ना, कोई बंदा IIT ड्रीम कर रहा है मैं तो उसको बोलूंगा MIT ड्रीम कर बेटा। ठीक है, जो बच्चा NIT ड्रीम कर रहा है मैं बोलूंगा IIT ड्रीम कर, ड्रीम बिग होगा तभी आप अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को ये बोल पाएंगे कि आई हैव टू पुश माई सेल्फ, आई डोंट हैव टू सेटल फॉर दिस। ठीक है बेटा, तो वो एक यू नो आज के डिस्कशन का थीम है, तो पहली बात में पहले जो 10 मिनट 5 मिनट मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको एक बार सुन लेंगे, अपनी क्वेरीज टाइप करके रखेंगे। यू मस्ट ऑल हैव अ वेरी क्लियर गोल राइट नाउ, ठीक है, नाउ दैट यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल्सो, मॉक टेस्ट भी बहुत सारे दिए, कई बच्चों ने कम दिए, देखो वो बच्चे भी जानते हैं कि यार मैंने मॉक टेस्ट कम दिए, कहीं ना कहीं हमने लास्ट लाइट नाइट जो बात करी थी कि यार 20 मॉक टेस्ट देने थे, 20-25-30 मॉक टेस्ट बच्चों ने एवरेज दिए थे और आपने कहीं 10 ही टोटल मॉक टेस्ट दिए, तो वो कहीं ना कहीं आप में भी कमी रह गई, वो बात ठीक है, वो सारी बात है, और एग्जाम भी हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है, तो यार ये एक बार जब पूरा प्रोसेस हो चुका है, नाउ आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू हैव अ वेरी क्लैरिटी ऑफ द गोल, है ना, गोल आपको पहले
क्लियर होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि वही गोल तुम्हें प्रेरित करेगा, पुश करेगा उसको रीच करने के लिए. व्हाट इज योर गोल, है ना? अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखो. मुझे मत बताओ, मुझे जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है. किसी और को बताने के लिए भी वो गोल मत रखो, है ना? मैं अपने पेरेंट्स को शो करना चाहता हूँ, रिलेटिव्स को शो करना चाहता हूँ, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को शो करना चाहता हूँ. नहीं बेटा, हैव दैट गोल फॉर योरसेल्फ, है ना? तभी तो उसकी ओनरशिप ले पाएगा, वरना तो हमेशा ब्लेम गेम करेगा कि यार मेरे तो पेरेंट्स ने मेरे को इसमें धकेला, मेरे तो रिश्तेदारों ने यू नो मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं आईटी जेई क्रैक करूंगा. नहीं, है ना? टेक द ओनर, यू विल बी एबल टू टेक द ओनरशिप ओनली व्हेन यू नो दैट तेरे को ये चाहिए था, है ना बेटा? तो हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट योर गोल इज, वेदर इट इज आईआईटी, एनआईटी, अ पर्टिकुलर कॉलेज, वेदर इट इज अ पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है? या मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं बस पास हो जाऊं जेई में अच्छे परसेंटाइल से, जो होना होगा वो सच में ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में मेरी परफॉर्मेंस है, रिजल्ट है ना, फल जो है वो ईश्वर के हाथ में रहता है ना, हमें हमारे हाथ में कर्म रहता है, काम हम बहुत सारा कर सकते हैं. ये जो आपका एरो है ये बुल साई पे लगे या थोड़ा सा इधर उधर चला जाए, ये आपके हाथ में नहीं बेटा, है ना? हो सकता है ये कहीं और लग जाए, बट आपने मेहनत इसके लिए करी थी और आपने फुटजोर से मेहनत करी थी, तो आपको कभी वो दुख भी नहीं होगा कि यार मैंने मेहनत में कभी रख दी, वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए. तो हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ द गोल, ठीक है? इनफैक्ट आप लोग जो गोल कर रहे हो ना, इस पॉइंट पे मैं एडवाइस करूंगा कि अगर वो तुम्हारा गोल है एनआईटी, ठीक है, सपोज आपका थ्रू आउट द जेई प्रिपरेशन गोल रहा है एनआईटी, आपने एडवांस की तरफ मुंह भी नहीं फेर के देखा, फिर तेरी कहीं 85 परसेंटाइल आ रही है बेटा, ठीक है? तो एनआईटी भी 95 प्लस परसेंटाइल पे मिलेगा देखो, है ना? मतलब बहुत अच्छा करेगा तो तू 98 पे भी बहुत अच्छे वाला एनआईटी में जाएगा. तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे सेटल हो रहे हैं बिकॉज योर गोल वॉज दिस, आई वुड एनकरेज यू टू हैव अ गोल ऑफ मच बेटर इंस्टीट्यूट, मच बेटर परसेंटाइल. व्हेन यू कीप अ गोल ऑफ 99 परसेंटाइल, देन यू गेट टू अचीव 95. दिस इज हाउ समवेयर, है ना, दिमाग में, मतलब अगर आप बुल साई को हिट करना चाहते हो तो भी साइड में आजू बाजू में कहीं लगता है ना? किसी दिन लकी रहेगा, किसी दिन लक भी काम कर गया, पोस्चर भी सही हो गया, आपकी टेक्निक सही होगी तो बुल साई हो गया, बट क्या वो हर बार होगा? कैन यू हैव दैट परफॉर्मेंस रिपीटेटिव? यस यू कैन, इफ ओनली यू हैव अ वेरी हाई टारगेट, है ना? एक औहदे ऊपर, एक लेवल ऊपर का टारगेट रखो. मैंने हमेशा से आपको बोला है कि जब आप एडवांस लेवल की कुछ चीजें करने लगते हो तो आपको मेन चिंदी लगता है ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ट्रिपल आईटी एनआईटी तो मुझे मिलना ही चाहिए. मैं आईआईटी लेवल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं आईआईटी लेवल के मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, समझ रहे हो तुम? तो कीप जस्ट अ बिट अबव योर लेवल और उसमें आप यू नो अपना एक गोल माइंड में क्लियर रखें, पहली बात. तो दूसरी बात, ये प्रैक्टिकली समझे, है ना? प्रैक्टिकली समझो बच्चों कि यार कभी तो लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी इधर लगेगा. आप में से कई बच्चों का ये पहला अटेम्प्ट है बच्चों, द डायग्राम शोज दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, और यार किसी का भी पहला अटेम्प्ट ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है? किसी का भी, सभी लोग हम इंसान हैं, सभी का पहला अटेम्प्ट में हम सोच के कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, दिस इज द कंपटीशन. कंपटीशन में बेटा ऐसे ही होता है, ठीक है? इनफैक्ट प्री बोर्ड्स में भी कई बार आप सोच के कुछ जाते हैं, मार्क्स कुछ आते हैं, तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसा ही होता है, एक तरह से ट्रायल बॉल ही खेली तुमने तो भी, ठीक है? यार तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट भी ऐसा नहीं है कि एकदम हिट कर जाए, आई रियली विश कि सभी का हिट कर जाए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, इफ यू कीप वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू अचीव, गोल तेरे माइंड में फिक्स है, फिर वो एक जो वर्किंग टुवर्ड्स की जो टेंडेंसी होती है कि करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, हार नहीं माननी है, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस देती रहनी है, चाहे कल गंदे नंबर आए, लेकिन मैं मॉक टेस्ट देना छोड़ दूंगा क्या? तो इतना इजीली गिव अप कर देगा क्या बेटा? आई होप नॉट, है ना? सभी लोग ये समझते हैं कि यार पहला अटेम्प्ट तो ट्रायल बॉल है, दूसरा भी थोड़ा सा आएगा, लेकिन यार कहीं ना कहीं अगर मैं ट्राई करता रहूंगा तो हो जाएगा, ट्राई करना छोड़ दूंगा तो कैसे ही होगा. ये भी बात आप जानते हैं अच्छे से, आप ज्यादा समझदार हैं. इफ यू आर टुडे हियर यू विल बिकम बेटर टुमारो ओनली इफ यू कीप ट्राइंग, इफ यू लीव इट देन यू आर नोवेयर इन द कंपटीशन. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चों, नोबडी केयर्स आल्सो. ऐसा भी हो जाता है ना कभी कभी कि यार अगर मैं ट्राई करना छोड़ दूं तो इससे फर्क किसको पड़ेगा? देख यार, तेरे पेरेंट्स भी अपनी आधी जिंदगी जी चुके हैं, उनकी करियर, उनकी लाइफ सेट है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर लाइफ जस्ट बिकॉज यू गॉट इनटू आईटी और नॉट, उनकी लाइफ तो वैसे ही चलेगी, ठीक है? तेरे रिश्तेदारों को तो और फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? फर्क किसको सबसे ज्यादा पड़ता है? तुझे, तेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी एक अलग मोड पे चली जाएगी अगर तू यहाँ पे गिव अप कर देता है. तो नेवर गिव अप बेटा, नेवर गिव अप. आपका ये एक ट्रायल अटेम्प्ट मान के चलो, पहला अटेम्प्ट सबके लिए ऐसा होता है. कीप वर्किंग, नेवर लाइक, उस चीज को कभी भी छोड़ना मत, उस स्पिरिट को अलाइव रखना, है ना? क्योंकि ये तो आज एक लेसन लिया आपने, ये तो आज का एक लेसन है, एक छोटा सा टेस्ट है, बहुत छोटा है, सच कह रहा हूँ. यू विल नॉट इवन रिमेंबर कि तेरा पहला अटेम्प्ट क्या था. मुझे तो आज की डेट में भी मेरा जेई का जो फर्स्ट स्टेज है याद ही नहीं है बेटा. मैंने जो जेई का पहला स्टेज दिया था मुझे याद ही नहीं है यार, कौन से स्कूल में जाके दिया था, कैसे दिया था, पता ही नहीं है. मतलब इट वाज नॉट, उस चीज को इतना भाव ही मत दो, ठीक है? लेकिन अगले अटेम्प्ट को पूरा भाव दो, है ना? जो हो चुका है उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, उससे लर्निंग ले सकते हो, एंड यू कैन ऑब्वियसली लर्न टू बिकम बेटर इन द टुमारोज अटेम्प्ट, इन द लेटर अटेम्प्ट्स. एंड बच्चों साथ साथ में एकदम मुद्दे की बात पे आता हूँ, एकदम जो चीज तेरे को करनी है. तू अभी 50 से कम परसेंटाइल लाया है, तो अभी 80 से कम परसेंटाइल लाया है, तो 90 से कम लाया है, तो 99 से कम लाया है बेटा, सभी को आगे बढ़ना है.
ऐसा ऐसा कोई बच्चा नहीं जो बोलेगा नहीं मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ. इवन अ किड हु हैज गॉटन 99.9 परसेंटाइल, वो भी बोल रहा है सर मैं तो 100 एक्सपेक्ट कर रहा था. समझ रहे हो तुम, सभी का एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है. नोबडी सेटिस्फाइड, दिस इज हाउ ईश्वर ने ये पूरी रचना करी है यूनिवर्स की, यार ये इंसान लोग हैं इनको क्या है कि किसी भी चीज में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो मिलना भी नहीं चाहिए वैसे. सही बात है कि व्हाई नॉट दिस एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव अ बेटर गोल. बट उसका तरीका क्या है बेटा, क्या तरीका बहुत कोई अलग है? नहीं यार, तरीका वही है, प्रैक्टिस करना है. जो टॉपिक्स की थ्योरी नहीं आती उन पे पहले टारगेट करना है. अभी अगर फिर भी कोई ऐसा बच्चा है सच्ची, या मैं ये कान खोल के सुन लो वाली बात बोल रहा हूँ बेटा, कान खोल के अच्छे से सुन लो. अभी भी आपके जो वीक टॉपिक्स हैं, छोड़े हुए टॉपिक्स हैं, लेफ्ट टॉपिक्स हैं, उनको तुम लेफ्ट ही करके जाओगे तो यार इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगी. सिलेबस का एक बहुत मेजर तूने पार्ट, तूने मॉडर्न फिजिक्स छोड़ के जा रहा है. मॉडर्न फिजिक्स से एक पेपर में 5 सवाल आ गए, मस्त तेरी तो हो गई. ठीक है, तो वीक और लेफ्ट टॉपिक्स पे सबसे पहले ध्यान देना है. ठीक है, आपके आपके शरीर में बेटा कहीं चोट लग जाती है. ठीक है, देखो आम दिनों में तो हम हाथ पैर किसी को इतना भाव नहीं देते, अपने चेहरे को ज्यादा भाव देते हैं कुछ लोग, पूरा फेस वॉश ये वो बालों को, है ना, चेहरे को. बट हाथ में क्या क्रीम लग रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. लेकिन जिस दिन हाथ में चोट लग जाती है, क्या हम उस चोट को 2 दिन तक 3 दिन तक ध्यान नहीं देते, विशेष ध्यान देते हैं ना? तो यार जहां पे वीकनेस आ जाती है बेटा वहां पे ध्यान देना जरूरी होता है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ नेचर कि यार वहां पे आपको डेफिनेटली ध्यान ज्यादा देना है, कुछ दिनों तक देना है, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता, जब तक आपकी चोट सही नहीं हो जाती आप उस एरिया को ज्यादा भाव देते हैं, ज्यादा ध्यान भी रखते हैं. एंड जब वो बेटर हो जाती है बस सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है. यस, तो उसी मेंटालिटी से आपके जो वीक और लेफ्ट पोर्शन है, चाहे उसके लिए कितने भी थ्योरी लेक्चर्स दोबारा देखने पड़े बेटा, थ्योरी लेक्चर्स देखने पड़े, स्क्रैच से वन से देखना पड़े, वन शॉट्स देखना पड़े, जो भी करना पड़े, जितनी चाहे प्रैक्टिस में कमी रहेगी, सब थ्योरी आती है, थ्योरी आती है, थ्योरी कर प्रैक्टिस कर, थ्योरी कर प्रैक्टिस कर, इस तरह का एक लूप बनाते जाओ बेटा, इससे ही इंप्रूवमेंट होगा. ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं है इस दुनिया में, ऐसे कोई गोली नहीं है इस दुनिया में जैसे, है ना, एकदम इमीडिएटली फायदा हो जाएगा. यस, इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो यस, यू नो वेयर ऑल द लेक्चर्स ऑफ आर्स, वेयर ऑल द सेशंस ऑफ आर्स, नॉट जस्ट प्रैक्टिस. हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे आज रात को, जैसे हम मॉडर्न फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन रखेंगे बच्चों, तो उस तरह के बहुत सारे वन शॉट प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं और निरंतर करेंगे, जुलाई तक करूंगा मैं तो. ठीक है, पीवाईक्यूज, तुझे पता है यार तूने कहीं पे पीवाईक्यूज नहीं करे, तुझे पता है तूने बहुत सारे चैप्टर्स का एचसीवी बेसिक सी बुक ही आपने छोड़ रखी है, तो बेटा मोर प्रैक्टिस इज द सोल्यूशन, है ना. सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, है ना, मैथ्स में तो यार प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, थ्योरी क्या है वहाँ पे, प्रैक्टिस ही है. 95% ऑफ मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिस, 5% इज थ्योरी. ठीक है, तो हाउ कैन यू बिकम बेटर इन दिस परसेंटाइल्स, तो इन परसेंटाइल पे आ कैसे पाएगा बेटा. ठीक है, एक तो समझो कि लेवल बाय लेवल तेरा इंप्रूवमेंट होगा और डेफिनेटली यू विल गेट देयर. सी, बात वो नहीं है कि मैं वहां पहुंचूंगा कि नहीं, अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस, बात वो नहीं है कि मैं वहां पहुंचूंगा नहीं, डाउट तो रखना ही नहीं बेटा, सेल्फ डाउट तो रखना ही नहीं है, है ना, करके ही जाना है. जितने महीने देखा अभी बचे हुए हैं, नहीं तो देर इज ऑलवेज ड्रॉप ईयर, है ना, वो तो है ही है, बट उसको एक बार के लिए आप इग्नोर ही मानो, या नहीं मेरे को तो अभी करना है. अंदर की आग बेटा एक बहुत कम वक्त के लिए रहती है, उसको लगाए रखो. ठीक है, उसे रियलाइज करो एंड ड्रीम अनलिमिटेड. ठीक है, मैं उस बच्चे को बेवकूफ नहीं मानूंगा जो कहीं अभी 70% ला रहा है बट उसको IIT में जाना है. बेटा वो बच्चा बेवकूफ नहीं है, वो ड्रीम हाई कर रहा है, तभी वो पहुंच भी पाएगा शायद किसी दिन. वो सारी स्टोरीज जो कल रात को हमने देखी, यार 23 से भी 85% ले आया बच्चा, तो यार 70 वाला तो आराम से 99+ ला सकता है. ठीक है, सो इफ यू आर बिलीविंग यू कैन, यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर एंड आई एम ओपन टू सम ऑफ योर क्वेरीज नाउ. तो यहाँ पे लिखते भी रहे और बहुत सारी चर्चा करेंगे, है ना, करीब 1 घंटे का सेशन रखेंगे. तो यस, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करें, नहीं छोड़ रखे तो करें. ठीक है, पीवाईक्यूज करें बेटा, जो भी छोड़ा हुआ पार्ट है ना, मॉक टेस्ट रेगुलरली दें. अभी भी आप मॉक टेस्ट देना छोड़ देंगे तो वो गलती होगी. मॉक टेस्ट ऑफ जेई मेन अगर आप 90% से कम लाए, 90% प्लस वालों को मैंने बोल दिया है कि आप एडवांस ओरिएंटेड मॉक टेस्ट देने लगे, कोई भी स्पैम ना करें, कोई भी स्पैम ना करें, एक बार अपनी बात लिख के छोड़ दें. ठीक है, हल्क बस्टर एंड एवरीवन, जो बहुत अच्छे परसेंटाइल्स आपके हैं, आप डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं. ठीक है, वही बात है कि आप लोग कैसे कर सकते हैं उस चीज को, उसके मैंने तरीके आपको बताए थे पिछले दो तीन सेशंस में, जो मैंने आपको बताया है मैं वही चीज दोहराऊंगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई नया तरीका मिल जाएगा. 90+ परसेंटाइल आपकी आई है. ठीक है, आपका कल का जो भी रिजल्ट रहा है बेटा, 90+ परसेंटाइल आई है, देन बी एडवांस ओरिएंटेड. एडवांस तेरा गेम होना चाहिए. ठीक है, तुमने ऑलरेडी ऑलरेडी कट ऑफ को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लिया है, तो एडवांस ओरिएंटेड कैसे रहेगा, बाय फॉलोइंग द 3-स्टेप मेथड. ठीक है, एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू एट दिस पॉइंट, नॉट जस्ट मी, जैसे मैंने आपको बोली रखा है कि मैं तो एक वो कोर्स कर ही रहा हूँ. ठीक है, बट मैंने वही बातें अपनी पूरी टीम के साथ ये आइडिया शेयर किया. अश्वानी सर, निशांत सर, समीर सर, नमो सर, सब लोग रहेंगे उसमें, है ना, द कोर्स ऑफ द एंटायर जेई लाइव डेली टीम टू दैट लेवल, है ना. इस कोर्स में आपको पता है लेवल क्या है, कोर्स फॉर अंडर 1000 रैंक, है ना. अपने बहुत सारे बच्चों से मैं कल बात कर रहा था, सम ऑफ देम आर रियली क्लोज, सम ऑफ देयर आर एक्चुअली इन दिस ब्रैकेट ऑल्सो, अंडर 1000 के वो परसेंटाइल लाए हैं.
ठीक है, वो बच्चे 99.85 प्लस लाए हैं बच्चों, 99.95 लाए हैं, उस तरह की परसेंटाइल जो बच्चे लाए हैं यार, उन बच्चों को तो डेफिनेटली ऑलरेडी 1000 के अंदर है, तो टॉप 200 टॉप 100 जो भी एम करेंगे वो। पर मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कुछ बच्चे एडवांस ओरिएंटेड रहने के लिए तभी सोचे जब 90 प्लस परसेंटाइल है, ठीक है, एडवांस के मॉक टेस्ट देंगे और है ना, सभी की मैं बात करूंगा, तो वन बाय वन करते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि इन्हीं बच्चों के बारे में, इनफैक्ट इनको तो शायद कम जरूरत होगी गाइडेंस की, अपने को यहाँ पे बहुत सारे अपने प्यारे बच्चे हैं जो कि थोड़े से ही दूर है, बहुत दूर भी नहीं है, है ना, हर तरह के बच्चे हैं, ठीक है, 96. ऑल दीज आर गुड परसेंटाइज, 96.5, 88.6, बच्चा मेरे लिए सारी परसेंटाइज अच्छी है, बट मुझे ये भी पता है यार इस पे तुम नहीं रुकोगे, ये तो तुम्हारी ट्रायल बॉल पे तुमने जो चौका मारा है तो अब छक्का मारोगे, ये तुम्हारी ट्रायल बॉल पे अगर तुमने एक रन ले लिया दौड़ के तो तुम तीन रन भी दौड़ के ले लोगे, वैसी वाली बात हो गई है। तो यस, एनी परसेंटाइल दैट यू हैव, यू राइट योर क्वेरीज, यू राइट बेटा, ऑल ऑफ यू डू राइट योर क्वेरीज, ठीक है, 33, 32, 23, जो भी परसेंटाइल है आपकी सच में लिख डालो, ठीक है, मन भी हल्का हो जाएगा और सच में मैं आपको इस तरह से गाइड कर दूंगा कि बेटरमेंट तो होगा ही होगा, है ना, किस लेवल का होगा वो तुम पूरी अपनी मेहनत झोंक देना, ठीक है। तो 80, जैसे 85 के आसपास है सौरभ का, 83 है आशीष का, ठीक है, कुछ बच्चों का 70 है, शिशिर का 77, आकाश का 72, तो देखो मैं वन बाय वन आपकी जो आपकी सच में जो रेंज आ रही है ना उस हिसाब से बहुत पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, बहुत पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, है ना, देख उतना फर्क होता ही नहीं है, उतना कोई फर्क मेजर होता ही नहीं है। एक तो ये भी आप समझते हैं ना बेटा कि आपकी आपकी जो करीब 6.5-7 लाख की थी, राइट, तो 7 लाख भी मानते हैं, 8 लाख भी मानते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि लेटर अटेम्प्ट में बढ़ने ही वाले हैं एस्पिरेंट, शुरुआत फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे कम एस्पिरेंट होते हैं बच्चों, मेन अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा भी होंगे और बीच वाले अटेम्प्ट में बढ़ते हैं, घटेंगे थोड़ा बोर्ड एग्जाम की वजह से भी। तो यार देखो ये अगर टोटल नंबर ऑफ बच्चे दिए हैं मेन 21 में, इससे कम ही दिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं आगे के अटेम्प्ट में, बट एक एवरेज लेते हैं अपन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज 100% ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर देयर, ठीक है। अब उसमें 1% का मतलब क्या है, जो 99 प्लस है, है ना, जिनको देख के आपको है ना सभी को ऐसा लगता है कि यार ये लोग तो मचा दिए हैं लाइफ में, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया। देख 99% मतलब आप टॉप 7000 स्टूडेंट्स में है, हिंदुस्तान के टॉप 7000 स्टूडेंट, एक बार आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह पे मैदान में है जहां 7000 का क्राउड है, ठीक है, अपने IIT बॉम्बे में एक ओपन एयर थिएटर है, ठीक है, ओपन एयर थिएटर में IIT के बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, एक वो परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल PAF की मैंने आपको कई बार चर्चा करी होगी, वो भी वहीं पे होता है यार, जब वो पूरा खचाखच भरा हो ना, जब हर हॉस्टल का हर रूम खाली हो जाता था कैंपस में, जब पता होता था कि यार आज PAF है तो हर बंदा वो ओपन एयर थिएटर OAT बोलते हैं उसको, वहां बैठा होता था, और तब जाके हम 7000 बच्चे एक साथ देखते थे जो पूरे कैंपस में अलग अलग जगह रहते हैं, बट यार एक साथ आते हैं, यू नो प्रोफेसर्स भी आते हैं, उनकी फैमिलीज भी आती, सब आ जाते हैं, और तब जाके 7000 होता था और अनमैनेजेबल होता था, 7000 का क्राउड इज लिटरली अनमैनेजेबल, इतने बड़े ओपन एयर थिएटर में भी नहीं बैठ पाते थे, तो हम लोग तो यहाँ पे हॉल में वगैरह कहाँ भरेंगे, और क्या इन सभी को वन ऑफ द टॉप 5 IITs में भरा जा सकता है, समझ रहे हो आप, IIT बॉम्बे में भी 800 सीट है, तो आप वही बात है कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर 7000 पे आ रहे हो तो भूल जाओ, है ना, लाने में तो बंदा 99% लाया है, बट यार क्या वो इंडिया के बेस्ट IITs में घुस पाएगा, इट्स वेरी डाउटफुल। तो आप समझ रहे हो हर बंदे को कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन है, आप अपनी क्या बात कर रहे हो, 99 वाला बंदा भी यही सोच रहा है यार मैं तो IIT बॉम्बे सोच रहा था ये क्या रैंक आ रही है, समझ रहे हो, तो 99.5% वाला क्या है, टॉप 3500 स्टूडेंट्स में 3500, है ना, उसको तुम बोलो वो एम कर रहा था टॉप 100 की, उसकी 3500 रैंक आ रही है, ठीक है। कई बार बच्चे बोल देते हैं, देखो कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर आपका 161 आया है, दिस इज रियली अमेजिंग, मैं इससे बेटर लाऊंगा, बिल्कुल ला बेटा, मैं तो ट्रेन ही उस प्रोसेस के लिए कर रहा हूँ, आई डू ट्रेन स्टूडेंट्स ओनली फॉर IIT बॉम्बे, है ना, मैं IIT बॉम्बे से हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं IIT बॉम्बे के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, नहीं, बिकॉज कि मैं 6 साल एक्चुअली बॉम्बे में पढ़ाया हूँ, है ना, मैंने 6 साल अगर बॉम्बे में पढ़ाया है तो यार बॉम्बे में रहने वाला बंदा क्या बॉम्बे में ही नहीं रहना चाहेगा, बॉम्बे तो एक इमोशन होता है, बॉम्बे वाले काफी सेंटी होते हैं इस पे, उनको ये होता है कि यहाँ रहते तो हम यही रहना चाहते हैं सर, है ना, हमको ऐसे दिल्ली वगैरह नहीं जाना है, हालांकि दिल्ली वाले कई बार बॉम्बे आते हैं कि यार दिल्ली से बोर हो गए हमको तो बॉम्बे घूमना था, तो 4 साल के लिए बीटेक के लिए बॉम्बे आ गए, ऐसे है। तो इस तरह से यार अगर हम देखें तो वही बात है कि वो एकदम एक पर्टिकुलर कॉलेज आपका एम हो गया तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए कि यार मेरा तो ये तो क्या मतलब कुछ और ही आ रहा है, तो आप अपनी एक तो अंडरस्टैंडिंग इस टर्म्स में समझो, ठीक है, परसेंटाइल सिस्टम को छोड़ के यू एक्चुअली कैलकुलेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर आफ्टर यू, ठीक है, तो यू आर टेल मी 98% वाला बच्चा के आगे कितने बच्चे हैं, 14000, सुनो इस बात को, सब लोग इस बात को एसेस करो अपनी रैंक के हिसाब से, 95% वाला बंदा जब 1% 7000 होता है तो 95% वाला बंदा अपने आगे कितने बच्चे, 35000 बच्चे देखेगा, 35000 बच्चे में क्या उसको IIT में एडमिशन मिलेगा, नॉट एट ऑल यार, इतनी सीटें IITs में नहीं है, तो वो क्या करेगा, NITs
ट्रिपल आईटीज, क्या उसको बेस्ट एनआईटी मिल सकता है? एक दो परसेंटाइल शायद और इंप्रूव कर ले तो बिल्कुल मिलेगा, 98-97 पे बिल्कुल मिलेगा, समझ रहे हो? तो यार ये आप एक असेसमेंट कि आपके आगे कितने बच्चे हैं, 90 परसेंटाइल वाला बच्चा अपने आगे 70,000 बच्चे देखेगा, ठीक है? और अगर आप ये सोचो, फिर आप है ना थोड़े थोड़े से इतना के लिए सोचो यार, अगर मैं इसमें आ गया तो मैं इसमें क्यों नहीं आ सकता, मैं अगर टॉप 14,000 में आ गया, ठीक है, तो मैं इसमें क्यों नहीं आ सकता, मैं अगर टॉप 70,000 में आ गया, इफ लिटरली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिहाइंड यू, 63 कितने बच्चे पीछे हैं तेरे, तू 90+ परसेंटाइल ला है, कितने बच्चे तेरे पीछे हैं, कोई बच्चा 88 ला रहा है, कोई बच्चा 85 ला रहा है, बट यू आर नॉट टू फार, तूने 6 लाख बच्चों को पिछाड़ दिया है, 7 लाख में से 85 परसेंटाइल पे तूने 6 लाख बच्चों को पछाड़ दिया है, तो तू दुखी क्यों हो रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, क्या डिसअपॉइंटेड हो रहा है तू, यू एक्चुअली रियलाइज दैट यू हैव लिटरली मोस्ट ऑफ द कंपटीशन को ऑलरेडी पछाड़ रखा है तूने, अब वो चंद कुछ बच्चे आगे हैं तेरे से, उनसे पछाड़ने के लिए यार मेहनत में तो जुट जाना है, यस। जो बच्चा इनफैक्ट यहाँ पे 50 परसेंटाइल भी लाया है, मैं उसको यही बोलूंगा बेटा तू अपनी 50 परसेंटाइल में आगे 3.5 लाख बच्चे ये मत देख, तेरे पीछे भी एग्जैक्टली 3.5 लाख बच्चे हैं, तो तूने उन 3.5 लाख से तो कुछ अच्छा ही किया होगा, और इन 3.5 लाख में से भी तू अगर आधे निपटा दे, आधे से ज्यादा निपटा दे, तो यार तेरी कैपेबिलिटी है, तेरी मेहनत है, तो ये बच्चे मेन ओरिएंटेड रहेंगे, जेई मेन के अटेम्प्ट्स, मॉक टेस्ट्स बहुत सारे देंगे, जितने भर सके दे सको, जो भी वीक एरियाज है तुम्हारे उनको इम्प्रूव करो प्रैक्टिस से, है ना। आप लोगों को उतनी भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होगी जितनी इन लोगों को एक्चुअली प्रैक्टिस प्लस थ्योरी की होगी, यहाँ पे तो आपने कुछ थ्योरी भी छोड़ रखी है बेटा, ठीक है थ्योरी भी छोड़ रखी है तेरी, कहीं 50-70 आ रही है, तूने तो बहुत मेजर चंक चैप्टर छोड़ रखे हैं, रीजन जानो। और देखो एक और पॉसिबिलिटी होती है बच्चों, एक और पॉसिबिलिटी होती है, मैं बोल दूं कि यार आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये हो गया हो, बहुत बच्चों का हुआ है वैसे, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में होता है कि बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गए, बहुत ब्रिलियंट बच्चे अपने तो बहुत कुछ ब्रिलियंट बच्चे, आराम से 95 ला सकते थे, बट यार नर्वस होने की वजह से 85 पे आ गए हैं, आराम से 99+ ला सकते थे यार, बट कुछ तो ऐसा हुआ 95 आ गया, तो ठीक है उतना दूर नहीं है, आप समझ रहे हो, वो नर्वसनेस की वजह से यार आप कितना थोड़ा सा इधर उधर हो गया आपका, है ना। आप ये वाले बंदे थे 99+ वाले, आप 95 पे आ गए, तो उसमें बहुत ज्यादा डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे अपने आपको ऐसी स्थिति में देख रहे होंगे यार मैं 90+ वाला वर्थ, मैं तो यार 120-130 आराम से मॉक टेस्ट में लाता था, एकदम से मेरा इतना कैसे कम हो गया, 80 के नीचे चला गया, तो बेटा वो होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सबके साथ होता है, डज नॉट मीन यू विल नॉट वर्क टुवर्ड्स योर गोल, यू विल लीव योर वर्किंग टुवर्ड्स, नहीं इसे तो हम लर्निंग लेंगे, और ये अच्छी बात है कि पहले अटेम्प्ट है और पहले ही सुधर गए। मैंने बोला था बच्चों, जिन बच्चों को फरवरी अटेम्प्ट छोड़ना है, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जिंदगी की, मत छोड़ना, अभी भी मार्च अटेम्प्ट दे देना, है ना। जितने अटेम्प्ट आप दोगे आप ही बेटर बनोगे, सिंपल सी बात है, एग्जाम का माहौल अलग होता है, आप लोग का मॉक टेस्ट घर पे देने का माहौल अलग होता है, ठीक है। सर कैन आई गेट 96 फ्रॉम 87, आराम से कपिल, ऑल द बेस्ट। सारी चीजें फिजिक्स में देखो, जिन चीज की जरूरत है वो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है इस लिंक पे, ठीक है। जिन चीजों को हम रेगुलरली अभी करेंगे, आज शाम को मॉडर्न फिजिक्स का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, 10 बजे बाद वो करेंगे अपन। कल देखो मैं ईएमआई का आरबीसी प्लान कर रहा हूँ, आरबीसी में अभी ईएमआई करेंगे, तो मैं ये भी अभी शेयर करूंगा कि अपन अगले 2-3 दिनों में, अगले हफ्ते में क्या करेंगे ना, सब जो भी 2-3 टॉपिक अपने आरबीसी में बचे हुए हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स का स्प्रिंट चल ही रहा है यूट्यूब पे, तो वो सारी अपन फिजिक्स के प्लानिंग में आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। राधिका के फिजिक्स में 65-52, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 11 बेटा कम है, परसेंटाइल शेयर करो, एक्चुअली आर दिस परसेंटाइल या मार्क्स। एंड सॉरी ज्योति के 96.75 है, बिल्कुल बेटा तू डिजर्व तो 99+ करता है, ठीक है। एंड पीएम में सी तेरा थोड़ा सा कम है, तो सी पे ज्यादा ध्यान देगा, और बाकी ठीक है, यू ऑल विल इंप्रूव डेफिनेटली, 96 point something इज नॉट अ बैड स्कोर। आशुतोष राय का 93 percentile है, डिसअपॉइंटेड है बेटा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बट यार वही बात है ना, ठीक है, 4 साल कुछ नहीं किया, तेरी 4 साल की मेहनत है, तो 9 से फिट जी में है, सुन मेरी बात बेटा आशुतोष राय, ये एक वेकअप कॉल है बहुत सारे बच्चों के लिए, है ना। कल रात को तो मैंने वही है कि आप लोगों को यही बोला कि यार एक बार इस चीज को अंदर सिंक होने दो, अपनी परफॉर्मेंस से आप ना खुश हैं डेफिनेटली, बट आपने पहली बार कॉम्पिटिशन देखा ना, मैंने कितनी बार बोला बेटा कॉम्पिटिशन इज डिफरेंट बॉल गेम, इट्स नॉट बोर्ड्स, इट्स नथिंग लाइक बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज लिटरली कट थ्रोट नेचर का होता है। तुझे लग रहा है कि तू ही मेहनत कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान मेहनत कर रहा है दोस्त, इसी वजह से वेकअप हो गए हो, तो बस वेकअप हो जाओ, बत्ती जला दो अपनी, और यार मेहनत के लिए तैयार हो जाओ बेटा, मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। बैक टू बैक एक दिन में 2-2 special classes लूंगा मैं, 2-2 special classes, कभी थ्योरी कर रहे हैं कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पुरानी स्पेशल क्लासेस है वो भी तुम देखते रहो, और यार बस मचा जुड़ जाओ, 10 दिन में इनफैक्ट इतनी मेहनत करो जो कि आपने 1.5 महीने में नहीं करी होगी, उस लेवल की अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम 3 महीने में तो यार तुम मेन एस्पिरेंट से एडवांस एस्पिरेंट हो जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात, यार इस चीज में आग लगने की जरूरत है, और मेहनत हम देखो मैं मेरे एंड पे अपने सारे जो भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है,
लास्ट ईयर तो मैं फिर भी बोल सकता हूँ यार एक बार के लिए हम वन शॉट ही कर पाए, यू नो कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए. आरबीसी 1.0 इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स. आरबीसी 1.0 हैज गिवन होप्स टू द स्टूडेंट्स हु वर नॉट इवन वर्थवाइल जेई मेन एनआईटी ट्रिपल आईटी, उनको ड्रीम लगता था वो बंदे आईआईटी में बैठे होंगे, समझ रहे हो तुम. तो आरबीसी 2.0 पूरा फॉलो करो. हम इस पॉइंट पे आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड लास्ट किया था, तो अब ईएमआई चालू करेंगे. वन शॉट ऑफ एसी जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो भी हम इसी चार दिन में करेंगे, और अपने प्रैक्टिस सेशन पीवाईक्यू सेशन चलते रहेगी. बेटा तो खुद से पीवाईक्यू नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आके लाइव पार्टिसिपेट कराकर. ये सीरीज मैंने उन्हीं के लिए लगा रखी है, ये मैंने उन लोग के लिए नहीं लगा रखी जिन्होंने पीवाईक्यूज करे हुए हैं. नालायकों, जो बच्चे आके ये बोलते हैं सर पीवाईक्यूज तो आते हैं, सर ये तो क्वेश्चन याद है, तुम्हारे लिए थोड़ी लगाई है मैंने. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यार पीवाईक्यू खुद से जब देखते हैं सामने वो नहीं कर पाते, तो मैं उनके साथ बैठ के उनको करवा देता हूँ. एक घंटे में 15-20 क्वेश्चन अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो मेरे प्रैक्टिस सेशन और पीवाईक्यू सेशन में रेगुलरली रहो. सिर्फ थ्योरी पढ़ना है तो ये तो कोई लाइटनिंग रिविजन और वेव ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स कर चुके हैं, थर्मल फिजिक्स अभी करूंगा मैं कुछ दिनों में, ठीक है बेटा. हाँ सवालिया भैया ने तो मचाई दिया है, और बच्चे हैं अपने निकल के आए हैं अभी बेटा, बेटर परसेंटाइल लाए हैं, धीरे धीरे सबके साथ शेयर करेंगे, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे हम लोग अभी, ठीक है. कि ये हमारे जूल्स हैं, क्राउन्स हैं, क्राउन में जो जूल्स होते हैं ये बच्चे हैं अपने. और डेफिनेटली यार मैं तो चाहता हूँ कि सभी बच्चे अपने आ जाए ना, जब ग्राउंड में कुछ 6-7 अगर डायमंड लगे हो तो उतना मजा नहीं आता, हमें तो 100-150 चाहिए. और आएंगे भी वो कुछ दिनों की और बात है मार्च सितंबर में, ये बच्चे जो पहली बार अपनी रियलाइज किए हैं वर्थ वो और मचाएंगे. कई बच्चे तो ऐसे भी है ना, वो बहुत माइन्यूट चंक है, कई बच्चे ऐसे भी यार मैं एक्सपेक्ट तो एक्चुअली सर 90+ ही कर रहा था बट मेरे 94 आ गए हैं, तो अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि यार मेरे को अगर इतनी मेहनत में 94 आ गए तो मैं 99 तो ले सकता हूँ, ठीक है. ऐसे भी बच्चे हैं, देखो 97 लाया है दिव्यांश, तू 99+ 99.5+ यार एम करो यार. उन लोगों को मैंने ये कुछ क्राइटेरियाज बताए हैं, इस तरह से भी बताया है, इनसे इंस्पिरेशन लो, ठीक है. 600 क्वेश्चन कहाँ प्रैक्टिस करें बेटा, क्वेश्चंस ढूंढ के चबा डालो उनको आर्यन, है ना. जैसे मैंने कल रात को फिर से वो बात बोली कि यार आप अगर सच में 161 से बेटर लाना चाहते हैं, ठीक है, जो टॉप 10 में आते हैं, जो टॉप 100 में आते हैं, जो टॉप 50 में आते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो दिन रात सुबह शाम क्वेश्चन करते हैं. शायद सपने में भी वो क्वेश्चन ही करते हैं बेटा, इतने क्वेश्चन करते हैं कि सपने भी उन्हें इसी के आते हैं. और वो ऐसा नहीं कि पूरे 2 साल 1.5 साल करते हैं, नहीं, आई डिड दैट इन माई लास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट 3-4 months ऑफ प्रिपरेशन, है ना. जो मेन फाइनल अटेम्प्ट होता है, ठीक है, जो आपका एडवांस कहलाता है, हमारे टाइम पे जेई मेन कहलाता था, सब्जेक्टिव होता था यार, उससे 3-4 महीने पहले ही वो मोमेंटम आता है, वही पागलपन तभी आता है कि भाई क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी नहीं, क्वेश्चन को स्कैन करेंगे, 10 सेकंड में क्वेश्चन स्कैन अच्छे से होके समझ में आ गया है और प्रिंटर की तरह हाथ चलने लग गया है, 15 सेकंड में तो आंसर आ चुका है भाई, ठीक है. तो ये 20-20 सेकंड में अगर क्वेश्चन निपटाने की एबिलिटी डेवलप करते हो, वही असली यू नो लाइक टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 तो ऐसी आती है, देखा, ठीक है. तो अपने आपको उस लेवल पे बीस्ट मोड बोलता हूँ उसको मैं, आपने सुना होगा कई बार मेरे सेशंस में कि बीस्ट मोड के लिए अगर आप अपने आपको तैयार कर सकते हो, ठीक है. होता है ना यार, मतलब कोई बंदा इतने सारे सेटअप्स कर लेता है एक साथ, इतने सारे पुशअप्स कर लेता है कि भाई वो हैवानी है एक तरह से, ना पागलपन दिखता है उसकी बॉडी लैंग्वेज में कि भाई अपनी बॉडी को तो इतना ज्यादा, है ना, कैसे वो कर सकता है. तो भाई वही बात है, माइंड के साथ वो कोई इंसान कर सकता है कि क्वेश्चन को बस स्कैन करेगा, पेन भी नहीं उठाएगा, है ना. अगर आप 600 क्वेश्चन दिन के लगाना चाहते हो तो आपके पेन उठा के एक एक सॉल्व करोगे बेटा, ऐसे तो फिर 200 ही हो पाएंगे शायद तेरे से. स्पीड बढ़ानी है माइंड में ओवरऑल, है ना, उस चीज को सॉल्व कर लेना है तो वो चलो वो बड़ी बात है. आप तो 100 क्वेश्चन पर डे, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन पर डे पे तो आओ ताकि आप अपना बेस्ट कर पाओ, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है. देवांश, जो भी बच्चे इस कैटेगरी में है 80 से 90 में है, ठीक है, मेन की मॉक टेस्ट दे दो अभी, जितने बचे हुए दिन हैं मार्च में ही अपने आपको इसमें ले आओ, आराम से ला सकते हैं तुम 95+, आराम से बच्चे ला सकते हैं. मैं तो बोलूंगा कि तुम ये जल्दी करो, इस प्रोसेस को मई तक मत करना. मई तक मैं करूंगा इंप्रूव तो फिर बेटा जुलाई वाला चीज तेरे लिए नहीं है. जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं इधर 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 हूं, मैं मई में इंप्रूव करूंगा, तो बेटा फिर से तू चद्दर तान के सोने वाली बात कर रहा है. 10 दिन में अपने आपको प्रूव करके दिखा, ठीक है बेटा. यहां से यहां पे तू 10 दिन में आ जा, और यहां से यहां पे जहां कहीं पे भी जिस लेवल पे हो मॉक टेस्ट देते रहो यार रोज के एक, ठीक है. मेन लेवल के मॉक टेस्ट सभी को देने हैं, वीक टॉपिक सभी को पता है, क्या उसकी थ्योरी, क्या उसकी प्रैक्टिस, क्या तुझे एक्सेसिबल है, क्या तू प्लस पे नहीं है तब भी है बेटा, यस है ना यार. जो बच्चे अपने यूट्यूब के देखते हैं लेक्चर भी देखते हैं, डीबीपीस भी देखते हैं, फिर जाके इस तरह की लिंक पे भी अगर वो स्पेशल क्लास देखते हैं तभी तो 95+ 98+ ला रहे हैं. कोई ऐसा कोई गोली खा के थोड़ी आए हैं उनको. कुणाल, मैंने देखा तेरा कॉमेंट कई बार, ठीक है, और तेरा वो इराकी जो प्यार था उसी की वजह से तू 26 लाया है. बेटा अब लाइफ में सीरियस हो जाना, ठीक है, सीरियस हो जाना. मस्ती वगैरह बहुत करते हो तुम, बहुत टाइम पास करते हो यार तुम से बहुत बच्चे ये बहुत अच्छी बखूबी जानते हैं. हमने बहुत टाइम पास किया, हमने बहुत इंटरनेट पे पेरेंट्स ने एक्सेस दे रखी है तो उसका बहुत मिस यूज किया है,
है ना, हमने स्ट्रैटेजी सेशन ही देखे, हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कभी नहीं किया। बट जो आइडियली होता है कि यार हमको कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो हम ना कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें। ये देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा, जैसे मतलब 1% ऑफ द टाइम प्लानिंग करते हैं लोग और 99% ऑफ द टाइम एग्जीक्यूट करते हैं उस प्लान को। हाँ भाई मैंने ये प्लान किया था, इसको मैं करूं तो सही। कुछ बच्चे होते हैं जो 99% टाइम प्लानिंग ही करते हैं, अरे मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो उनको अपन बोलते हैं ख्याली पुलाव बना रहे, तो तेरा पुलाव कभी नहीं बनेगा, तेरा ख्याल ही बनेंगे। तो वो आप अपने आप को भीड़ से परे हटाने के लिए है ना, अलग एक अपनी पहचान बनाने के लिए हार्ड वर्क करो साइलेंस में, या चुपचाप कर रहे हैं, 10 लोगों को बता रहे हैं कि मैं यही कर रहा हूँ और खुद कर नहीं रहा घर पे बैठ के। ठीक है, वो अपना मिस यूज किया है मैंने भी, सभी लोग यार जानते, देखो यार वी ऑल बीन देयर। और एक और बात बताऊं, मतलब टॉपर्स भी करते हैं, तुम्हें क्या लगता है टॉपर्स डोंट गो थ्रू ऑल दिस? क्या टॉपर्स एकदम रोबोट होते हैं, इंसान नहीं होते हैं, जो कभी इधर उधर मिसगाइड नहीं हो जाते, इधर उधर उनका भी मन नहीं करता है ये भी देखूं वो भी देखूं, होता है बेटा सबके साथ। बट उनमें एक सेल्फ कंट्रोल अपने आप आ जाता है कि हाँ यार इतना बहुत हो गया, ये मैंने बहुत मोटिवेशन के वीडियोस देख लिए, मैं मोटिवेट तो हो गया 10 सेकंड के लिए, मैंने 10 पुशअप मार लिए, क्वेश्चन मुझसे एक ना बना, तो ये गलत मोटिवेशन है, मुझे अपने ब्रेन के ऊपर काम करना है, उसको मेरे को थोड़ा है ना स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यार आप वही है कि आप अपने आप को रियलाइज कर लो सही टाइम पे, डिसिप्लिन हो जाओ एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन ऑल दिस। ठीक है बेटा, मैं कब स्ट्रैटेजी सेशन करता हूँ तो मुझे बताओ, मैं यूट्यूब पे कब करता हूँ, यहाँ पे कब करता हूँ, व्हेन इट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे ये भी पता है कि मेरे बच्चे, हम रोज क्या करते हैं बेटा, हम रोज क्या कर रहे हैं, हम रोज की स्पेशल क्लास में क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम वंस इन अ वीक, इवन 2 वीक में एक बार सक्सेस मंत्रा करते हैं कि हाँ चलो जनरल क्वेरी से बातचीत है। बट कुछ बच्चे यहाँ जनरल क्वेरी से पूछते रहते हैं। आप लोगों को इस पूरे डिस्कशन में अभी तक बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा तुझे क्या करना है। ठीक है, तो बस आप उस काम में बेटा लग जाओ। अब मैं आपकी 1-on-1 क्वेरीज पे आ गया हूं, आप बस अपने इस मंत्रा के हिसाब से लग जाओ, तभी ये इंप्रूवमेंट आप देख पाओगे, वरना तो ये भी ख्याली हो जाएंगे। ठीक है, प्रणय पाटिल 63% है तुम्हारा एंड नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर मार्च है तुम, तो मार्च देगा तभी और कॉन्फिडेंस आएगा, अप्रैल देगा और प्रिपरेशन के साथ तभी आएगा, डोंट स्किप द अटेम्प्ट। इसका मतलब ये नहीं कि तू स्किप नहीं करे, देख हर बंदा फेब अटेम्प्ट को 70% सिलेबस के साथ एवरेज दे के आया, एवरेज जी एस्पिरेंट फेब अटेम्प्ट को 70% सिलेबस के साथ ही दे पाया। ठीक है, क्योंकि उसका बचा हुआ है बहुत पोर्शन, मार्च में वो 75 हो जाएगा, अप्रैल में वो 80 हो जाएगा और मई में वो 90 हो जाएगा, और तेरा अगर 90 नहीं है, एवरेज का 90 है, फिर तेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है बेटा, राधिका आपको यार मैथ्स पे बहुत काम करना है। ठीक है, मैथ्स पे सच में काम करना है ना आपको, तो यार मैथ्स तो प्रैक्टिस वाला ही गेम है और उसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो बेटा। आप वही बात है, एक सब्जेक्ट को वीक नहीं रख सकते, फिजिक्स आपका बेस्ट है, केमिस्ट्री भी आपका एवरेज है, बट यार मैथ्स में बहुत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो। कुणाल बिल्कुल, नंबर तो नहीं दूंगा मैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत सारे कम्युनिकेशन के मोड्स है अपने, उन पर मैं बहुत रेगुलरली अपने बच्चों से बात करता हूँ। फोन नंबर तो यार मैं अपने परिवार वालों को ही देता हूँ, फोन पे थोड़ी ना हर बच्चे से बात हो पाएगी, सोचो इस बार। 95 फिजिक्स में है, मैथ्स में 68, केमिस्ट्री में 47। केमिस्ट्री में तेरा एग्जाम बस खराब हो गया, कोई बात नहीं सौरभ सिंह, इस चीज से तू लर्निंग लेगा और तू मार्च में डेफिनेटली बेटर करेगा। ठीक है बच्चों, मार्च दे देना है, इस चीज को आनाकानी मत करना, स्पेशली जो बच्चे 90 कम लाए हैं, 90% कम है, फिर भी तुम सोच रहे हो कि मैं एक महीना और अपने आप को देता हूं। तो बेटा तू चद्दर लेना आज दिन में, ये सेशन खत्म होती है, और तान के सो जाना। ठीक है, ताने में दूंगा कभी कभी ताकि तुम्हें एटलीस्ट रियलाइज हो जाए। आई विल टेक अ 2 मिनट ब्रेक बच्चा, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं 2 मिनट में आता हूं। बट यस, करना पड़ता है, नहीं हो गया। ओके एवरीवन, ठीक है, इम्प्रूवमेंट पॉइंट दिख गया है, वर्किंग ऑन इट, बस इट्स ओके बेटा। श्रेया पता है मुझे क्यों नहीं लिया होगा और क्यों तुम बेटर करोगे ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन, हर बच्चा मेरा इंप्रूव करेगा, मुझे ये बात की पूरी गारंटी है, पूरी तृप्ति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हर स्पार्टक 92.33, तू अब अपने आप को असिस्ट कर कितने बच्चों से ऑलरेडी आगे है और कितने बच्चों को तू और आगे आ सकता है, ठीक है हर्ष? और डेफिनेटली आ सकता है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। अमन तू कल भी आया था, तेरा मैंने बोल दिया था कि तू 87 से 95 प्लस आराम से बेटा ला सकता है, नॉट जस्ट इन अप्रैल, मार्च में ही इंप्रूवमेंट के थोड़े बहुत जो एरियाज है वहां पे प्रैक्टिस और कर ले बच्चे, ठीक है? हाँ, क्या खाया सर, राहुल पूछ रहा है। तो जल्दी से चबा चबा के डेढ़ मिनट में एक सैंडविच खा के आया, सुबह से कुछ खाया नहीं। और कई बार ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी होता होगा, फटाफट खा के वापस पढ़ाई पे बैठना है। तो वैसा टेम्परमेंट यार डेवलप करो, बिल्कुल वही चीज है जो कि आपको आगे ले जाएगी। निरंतर ट्राई करना टिल यू अचीव योर फोकस्ड गोल, क्योंकि शुरुआत में तो कोई भी नहीं करता है। अरे पहली बार में ही वो चीज मिल जाए जिसके लिए इतने पागल हुए तो फिर मजा ही क्या बेटा, है ना? पहली बार में कोई चीज कभी मिल जाती तो एक्चुअली उसकी वर्थ भी नहीं रहती है। ये बात मैं बोलूं, यार पहली बार में आपका बुलसाई हो जाता है तो फिर आप बोलते हैं यार ये जीवन में कुछ नहीं रखा है, एंड आई एम फेड अप ऑफ दिस लाइफ। बट इफ यू कीप ट्राइंग एंड देन यू अचीव एट वन पॉइंट, देन यू आर लाइक मजा आ गया, है ना? मजा तो उसी में है, है ना? स्ट्रेट ड्राइव सीख रहे हैं, मजा किसमें है? दिस पॉइंट पे यस, एक दिन ऐसा मस्त वाला स्ट्रेट ड्राइव आ गया कि यस, फील आई होगी तुम्हें भी कभी। तो ऐसे अपने लाइफ के अचीवमेंट्स, पर्सनल अचीवमेंट, जो कई बार हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं वहां पे कहीं पे कुछ ढूंढते हैं, बट आई थिंक जो लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ भी मचा चुके हैं, छोटा सा भी, यार मैंने कैसे उस दिन एक मस्त डाइव मारी थी, है ना? अपनी कोई फिजिकल अचीवमेंट हो सकती है, मैंने कैसे उस दिन जब मैंने पढ़ा नहीं था कभी, तब भी जाके एग्जाम में यू नो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से बहुत चीजें मैनेज करके नंबर ले आया मैं। आपकी कोई भी पर्सनल अचीवमेंट को याद करके मोटिवेटेड रहो, बिकॉज यू हैव बीन देयर, नोबडी एल्स, है ना? संदीप महेश्वरी सर की लाइफ के आप अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं शायद, जितना आप अपने ही एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि हाँ यार मैंने वो चीज करी थी तब और मैं कर सकता हूँ यहाँ पे भी। तो बस वही बात आपको फिर से अपने अंदर जगानी है, अपनी कोई पर्सनल अचीवमेंट याद करो बेटा, उसी से मोटिवेटेड हो जाओ, सेल्फ मोटिवेशन इसी का नाम है। मैथ्स में 91, फिजिक्स में 90, केमिस्ट्री में 10। तुम लोगों ने यार केमिस्ट्री को सच में यार बहुत इग्नोर कर रखा है ऐसे बच्चों ने, मुझे बहुत दुख होता है। मैंने आपको कब कब से आगाह कर दिया है कि हाउ टू मास्टर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता, एनसीईआरटी के शरण में आ जाओ, एनसीईआरटी को 2-3 महीने अच्छे से रिकर्सिव रीडिंग लगाओ, 5 बार एनसीईआरटी चाटो, आप लोग कभी भी लाइफ में दुखी नहीं रहेंगे, यू विल बी एट पार एट समबडी, है ना? मैं बताता हूँ ना मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना उड़ा हुआ था भाई, बहुत नोट्स बनाए, बहुत मेहनत करी, प्रैक्टिस कभी नहीं करी। मेन दिक्कत ये रह गई कि यार प्रैक्टिस, कई बार मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे लगता था, सोचो आई एम द पर्सन हु कीप्स टेलिंग के क्वेश्चन कर बेटा, टॉपिक नहीं आता फिर भी क्वेश्चन कर, लेक्चर नहीं देखे तो भी क्वेश्चन कर, आ ही जाता है अल्टीमेटली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे से एक मिस्टेक हो गई, नोट्स बना बना के उन्हीं को रिवाइज कर करके फिर क्वेश्चन होते नहीं थे, है ना? तो मैं मेरी ट्रैप में उस समय फंसा हुआ था कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने एक्सेप्शन मान लिया था और ये सोच लिया था कि यार अब इस चीज को यू नो थ्योरी से ही करेंगे। फिर मैंने उस स्ट्रैटेजी को चेंज किया जब मेरा सबसे पहले जेई फर्स्ट स्टेज हुआ था, ठीक है, जिसमें मेरी बहुत बुरी नहीं, कितनी आई थी मेरी, क्या रैंक आई थी पता है आप लोग को? जेई मेन अटेम्प्ट में, मतलब जो पहला अटेम्प्ट था, जो पहली स्टेज थी, ठीक है, 598, यस 598, 68 भी नहीं, अरे 598, 600 से दो कम, 600 से जस्ट ऊपर। क्या उस पर मेरे को कंप्यूटर साइंस आईटी बॉम्बे मिलता, क्या मुझे इलेक्ट्रिकल भी मिलता, मुझे शायद मैकेनिकल मिल जाता किसी तरह, है ना? बीटेक भी नहीं, शायद एमटेक मिलता, ऐसा सीन था उस समय, ठीक है? तो यार मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग अगर उस तरह से कुछ चीजें हैं, कुछ हैक्स है, है ना, कि क्वेश्चन से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन करके अपने आप को प्रूव करना है तो क्वेश्चन करने पे आ जाओ। तो मैंने वही किया, फिर मैंने वो स्ट्रेटजी को पूरा चेंज कर दिया, मैंने अपने केमिस्ट्री के स्ट्रेटजी को लास्ट के 3-4 महीनों में पूरा चेंज कर दिया कि बेटा इससे कभी रिजल्ट आया नहीं, अब क्या करेंगे, अब तो आ गया है अंतिम समय, आ गया अभी भी नहीं करेंगे तो लग जाएगी। तो मैंने उस चीज को, स्ट्रेटजी को, नोट्स रिवीजन भाड़ में गए, अपनी सारी फाइल सारे साइड में रखे, यार बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा दुख भी हुआ कि यार इसका कोई यूज नहीं रहा, बड़ा दुख हुआ। मैंने शायद सब चीजों में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक के नोट्स पे वर्क किया होगा और यार वो कोई यूजलेस रहे एक तरह से, इतना मेहनत किया। तो मैंने उसको फिर भी दिल पे पत्थर रख के साइड में किया, मैंने कहा सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे अपन। और ये सभी लोग बहुत एनसीईआरटी बोलते हैं, एनसीईआरटी के 3-4 चैप्टर बहुत ऑर्गेनिक के 12th के बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, और बस जे एडवांस में हमारा जो सेकंड स्टेज होता था उन है ना चैप्टर से 2 सवाल बहुत बढ़िया लेवल के सवाल, है ना? आप उस समय समझ नहीं सकते सब्जेक्टिव में किस तरह के सवाल होते थे कि यार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक कन्वर्जन रिएक्शन है तो बीच में अगर 20 स्टेप है तो 20-20 सही होने चाहिए, तब 6 में से 6 मिलेंगे बेटा। 20 अगर स्टेप का एक कन्वर्जन रिएक्शन है ना, ये मैकेनिज्म है कि यहां से यहां तक बनाना है, तो बीच बीच में मैकेनिज्म को एक्सप्लेन भी करो, सब्जेक्टिव वे में आंसर लिखो, 20-20 सही होनी चाहिए और पूरे नंबर तभी मिलेंगे, वरना तो स्टेप वाइज मिलेंगे, पता नहीं कितने मिलेंगे। तो यार आई रियली फील के सब्जेक्टिव पेपर में वही बात है, अभी आपको इंटीजर डेसिमल में ही कंफ्यूज हो रहा था, वहां पे सोचो कितना स्कोप होता था एरर्स का, ठीक है? तो मैंने बेटा वही बात है कि वो एनसीईआरटी में पढ़े हुए 5 चैप्टर से ऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चन, 3 पूछे थे वैसे, 2 क्वेश्चन एज इट इज बढ़िया लेवल निपटाया और 598 से 161 आया। तो एनसीईआरटी को जो बच्चे अभी तक नहीं अपनाए हैं, अंतिम कुछ महीने हैं यार, अब तुम्हारी प्रिपरेशन के, अगले साल तक मत जाने दो बेटा, इसी साल में करके निपटा के गाड़ दो, अगले साल तो हम
यू नो कोविड फ्री होके कैंपस पे जाएंगे, है ना। चलिए, अनुभव अग्रवाल बोल रहे हैं कि मैग्नेटिज्म एंड वेव वाले पार्ट थोड़े वीक हैं, ऑर्गेनिक पूरा गया हुआ है। जो भी बेटा तेरा वीक पार्ट है उसी वजह से 93 है आज, बट एक दिन तेरा 98-99 प्लस अनुभव आराम से आएगा। ऑल द बेस्ट, डू वर्क ऑन योर वीकनेसेस, ठीक है। राधिका, अच्छा यू आर द सेम पर्सन, ओहो मैं भूल ही गया था एकदम अभी जस्ट मुझे। तो तुम्हारा परसेंटाइल क्या है राधिका? फिर प्रियांशी का 98.187 है। प्रियांशी बेटा तू सच में 99 प्लस, 99.5 प्लस, 99.9 प्लस भी ला सकती है, ठीक है। और अभी मार्च वाला तो देखो, जो भी आपने इतने दिन पे प्रैक्टिस किया है और अभी और थोड़ा सा इंप्रूव करके मार्च वाला, तो लेकिन ओवरऑल प्रियांशी हमें क्या रहना, एडवांस ओरिएंटेड रहना, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो बहुत अच्छे नंबर है, बट तुम बेटर करोगे मुझे भी पता है। ऑल द बेस्ट। आप है ना क्या करना है, वो ये कि एडवांस ओरिएंटेड रहना है। ऑलरेडी 98 प्लस है तो 99.5 प्लस उसी से आएगा। राधिका की 43% है। राधिका, वाई कांट यू लाइक लिटरली गेट दिस टू 70 प्लस, 80 प्लस एंड बी इन लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट IITs, है ना। तो वो एम करो बेटा, चलेगा। वो PW है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी उसमें आती है, तो वो कर लेगी, ठीक है, बढ़िया कर लेगी। दिव्यम खेतान के 94.6 है। दिव्यम आराम से तो 98 प्लस आराम से ला सकता है ना, मार्च अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट में उतर आ भी जाएगा। बट बी एडवांस ओरिएंटेड, कीप गिविंग एडवांस मॉक टेस्ट रेगुलरली, है ना। कोर्स अपन लॉन्च कर रहे हैं 100,000 का 2 दिन के अंदर, और अपना एक प्रैक्टिस है ना, प्लस मोर प्रैक्टिस, बट यू नो लाइक वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना और उसकी प्रैक्टिस करने वाले एक हिसाब किताब। ये क्या होता है तुम्हें समझ में आता है? जैसे ऊपर वाले एक बच्चे ने बोला सर मेरा वेव्स वीक है, मुझे पता है मेरा वेव्स वीक है, तो बेटा वीक है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो, है ना। दिन में कभी भी निकाल के 15 क्वेश्चन वेव्स के करो, ठीक है, उसी से आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती रहेगी। सबकी ऐसी वीकनेस है, और किसी की ज्यादा है किसी की कम है, फर्क इतना ही है कि सबकी होती है, किसी की ज्यादा होती है वीकनेस के टॉपिक, किसी की कम, तो उसे आप भी कम करने की कोशिश करें जितना हो सके। हार्दिक शर्मा का फिजिक्स 83, केमिस्ट्री 75, मैथ्स 91 इज ओवरऑल गुड, 87 तेरा आ रहा है, और आराम से तू कर सकता है बच्चा, और अच्छा करेगा तू। हार्दिक कर यार बेटा, और अच्छा। मेरा मैथ्स बहुत कम है, जिनका भी मैथ्स कम है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स में भी बहुत वीक एरिया सुन ही रखे होंगे। तुम क्या दिन भर क्या इंटीग्रल कैलकुलस करते रहते हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री परसेंट दिन भर ट्रिग्नोमेट्री करते रहते हो, भैया मैथ्स के सारे टॉपिक्स को इक्वल वेटेज दो यार, ठीक है, ऐसा गधापना मत करो। क्या एडवांस आएगा? देखो 43 पे एडवांस क्वालिफाई हो जाओगे, बट वही बात है ना कि क्या है कितना है, तो आप तो रिस्क मत लो, 70-80 पे आने की कोशिश करो राधिका, इन द लेटर जे मेन अटेम्प्ट ओनली, आप 70-80 पे आओ पहले, और एडवांस में तो आप लिखोगे और मचाई दोगे, डोंट वरी। 97.11 116 217, देख श्रेयांश, अब देख मैं तेरी कैसे एग्जैक्ट परसेंट एग्जैक्ट रैंक निकालता हूँ, है ना। तूने मुझे जैसे डेसिमल के 4-5-6 डिजिट तक बोला है, तो तेरी जो परसेंटाइल है ना, एवरीवन डू दिस विद योर परसेंटाइल, एवरीवन प्लीज डू दिस व्हाट आई एम सेइंग विद योर परसेंटाइल। I'll show on the screen also how I'm doing it for Shreyans, है ना, one of our very regular students। यार आप लोगों को जो भी अपनी percentile आई है उसको पहले 100 में से माइनस करना है ना। इस बच्चे की क्या है, जैसे इस बच्चे की 97.11 68 216, है ना, ये है ना तेरी, यही है ना, तो 100 में से माइनस करो, ठीक है। फिर उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करो 100 में से, सब लोग माइनस करो, चलो जल्दी से करो एक बार, लेट्स एवरीबॉडी डू दिस, इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट एक्सपेरिमेंट, आपको मस्त चीज समझेगी, ठीक है। सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आपकी जो भी लिखो मच्छा है, आपकी जो भी परसेंटाइल है उसको 100 से एक बार सब्ट्रैक्ट करो बेटा, सब्ट्रैक्ट करो जितने डेसिमल पॉइंट हो सके उतने तक, फिर उसको मल्टीप्लाई करो इस नंबर से जो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो इसको, मल्टीप्लाई करना उसको 6617 6617.76 से, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये जो भी आता है आपका उसको मल्टीप्लाई करना है पूरे को 6617.76 से, क्योंकि करीब 6 लाख है ना, 61,000 इस तरह के एस्पिरेंट थे आपके, तो उससे मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड भी किया है, तो जो नंबर आ रहा है वो आप लिख दो लाइव चैट में, है ना। इस बच्चे के लिए जैसे आ रहा है 19080, ठीक है, हाँ हर्ष का आ रहा है 3,500। ये तेरी रैंक है बेटा, ये तेरी ऑल ओवर इंडिया पहली बार रैंक तू देख रहा है, ठीक है। 10,000 है प्रथमेश की, बिल्कुल 17 देवांश की है, भाव्या की 6,000 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो ये भी देखो, और साथ में ये भी देखो कि आपसे पीछे कितने हैं। अगर टोटल एस्पिरेंट 661776 थे, ठीक है, 6 लाख इतने एस्पिरेंट थे, तो तू कितनों से आगे है, तेरे पीछे कितने हैं, वो भी देखो एक बार, और गिव मी 1 सेकेंड। जो बच्चा 73K पे है, सपोज सत्यम है ना 73 पे है आज, क्या वो टॉप 20 में आ सकता है?
क्या वो आ सकता है? क्या बहुत ज्यादा मार्जिन है भाई? इतने लाखों बच्चों को पछाड़ रखा है इसने, 6 लाख बच्चों को पछाड़ रखा है करीब, तो यार क्या वो ऑलरेडी मतलब ना कुछ और 60,000 बच्चों को नहीं पछाड़ सकता? जो बच्चा 73,000 पे है वो क्या टॉप 20K में नहीं आ सकता ताकि उसका IIT में हो जाए किसी? अरे छोटी बात हो गई ना, आराम से आ सकता है। तो ये अपनी रियलाइज वर्थ करो बेटा। जो जिस व्यक्ति को कॉल करे, क्या एक तो कॉल करते हैं लगता नहीं है फिर। हाँ तो गलत क्या था? अरे फिर बार बार क्यों कर रहे हो? मैं क्लास में हूँ। जब कोई इंसान बहुत बार कॉल करे और फिर बोले यार गलती से लग गया था, तो क्या ही बोले। तो फील द पेन टुडे फॉर अ बेटर टुमारो, ठीक है? जैसे ये बच्चा ऑलरेडी IIT जाने योग्य है, बट क्या है देखो, पिछले पीछे वाला IIT चाहिए, IIT धारवाड़ चाहिए, दिल्ली चाहिए, वही बात है ना। चलो यार बच्चों और 1-on-1 करते हैं, 1 घंटे में सेशन को खत्म करने का एम रखा था मैंने, 10-15 मिनट और रुक जाते। चलो आदित्य गोस्वामी गॉट 37 इन फिजिक्स इन एडवांस 2020 बिकॉज यू फॉलोड द चैनल। सो वेर आर यू राइट नाउ? 37 इन एडवांस इज अ गुड स्कोर बाय द वे एवरीवन।